2 अक्टूबर यानी आज देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जिन्हें विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया, तो बापू के विचार देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। ये मात्र एक व्यक्ति का जन्म नहीं था, ये एक क्रांति का जन्म था। ये एक युग का जन्म था। सच्चाई के दूत और अहिंसा के पुजारी का जन्म था। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद 1893 में गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा शुरू हुई। जब गांधी जी प्रथम श्रेणी के टिकट पर डरबन से विक्टोरिया की यात्रा कर रहे थे, तब एक श्वेत व्यक्ति ने गांधी जी के साथ यात्रा करने पर आपत्ति जताई। तब रेलवे स्टेशन पर उन्हें बाहर फेंक दिया गया। इस हादसे ने गांधी जी को झकझोर कर रख दिया। गांधी जी ने कायरता के साथ भारत लौटने की बजाय अन्याय के खिलाफ आंदोलन का मार्ग चुना। इसी घटना के साथ गांधी से राष्ट्रपिता बनने की यात्रा भी शुरू हुई। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। 1915 की एक सुबह महात्मा गांधी भारत लौट आए। देश लौटने के बाद गांधी ने चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा को करीब से देखा और 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का बिगुल बजा डाला। गांधी जी को फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन लाखों लोगों के विरोध के कारण गांधी जी को अंग्रेजी हुकूमत को छोड़ना ही पड़ा। गांधी जी ने इस आंदोलन के जरिए किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। किसान आंदोलन की पहली लड़ाई गांधी जी के नेतृत्व में जीत ली गई थी। इसके बाद इसी साल गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी ने किसानों में नई चेतना और साहस का संचार किया और किसानों को एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार से महात्मा गांधी को गहरा झटका लगा। गांधी जी 1 अगस्त 1920 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत करके अहिंसा की ताकत का संदेश देने में जुट गए। स्वराज जरूरी है लेकिन अहिंसा के साथ, स्वतंत्रता चाहिए मगर सत्य के साथ, यही गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र था और गांधी जी ने जनता के साथ जुड़कर इस मंत्र को आगे बढ़ाया। भारत की कौमी एकता के साथ खिलवाड़ गांधी को हरगिज मंजूर नहीं था। 18 सितंबर 1924 में गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखकर भाईचारे की ताकत का संदेश दिया। समय के साथ गांधी जी ने स्वदेश की अवधारणा पर बल देना जरूरी समझा और 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे डाली। दांडी यात्रा में मिले अपार जन समर्थन से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ गई। 5 मई की रात को चुपके से गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। 16 सितंबर 1932 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के जातीय मत प्रणाली के विरोध में उपवास रखा। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, समानता की ताकत।
अब तक गांधी समझ चुके थे कि अब देश की जनता अंग्रेजी शासन के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने का स्पष्ट संदेश दे दिया। सफल आंदोलनों की वजह से गांधी जी की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। आंदोलनों की सफलता के बाद ही उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। बाद में उन्हें सभी इसी नाम से पुकारने लगे। महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। बापू आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें यह सिखाया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी ने हमें सिखाया कि लड़ाई अहिंसा का रास्ता अपनाकर भी लड़ी जा सकती है, चाहे वो देश को आजाद करवाने की लड़ाई ही क्यों ना हो। महात्मा गांधी विश्व पटल पर अहिंसा के प्रतीक के तौर पर स्थापित हैं। दुनिया भर में हिंसा बढ़ती जा रही है, ऐसे में बापू के विचारों को आगे बढ़ाकर हम हिंसक विचारधारा को रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।